नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा। आज जो हेयर सीरम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर इसको इस्तेमाल करके आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं होता, हेयर ग्रोथ नहीं होती या हेयर री ग्रोथ नहीं होती, तो आई वुड रिकमेंड कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें और अपना स्कैल्प और हेयर अच्छी तरह एग्जामिन करवाएं, क्योंकि इसके बाद कोई रेमेडी इफेक्टिव नहीं होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आज के बनाए जाने वाले हेयर सीरम में जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो इतने पोटेंट हैं कि अगर इनसे हेयर फॉल स्टॉप नहीं होता तो फिर किसी होम रेमेडी से स्टॉप नहीं होगा। ये सीरम इतना स्ट्रॉन्ग और इतना इफेक्टिव है कि इसकी पहली और दूसरी एप्लीकेशन से ही आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट होगा। हेयर ग्रोथ अगर आपकी स्टॉप हो चुकी है और बाल काफी टाइम से एक ही लेंथ पर रुके हुए हैं तो भी ये सीरम आपको हेल्प करेगा। और अगर आपके बाल पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अब नहीं है, जिसका कोई भी रीजन हो सकता है, तो भी आज का बनाया जाने वाला सीरम आपके लिए मैजिक कर सकता है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने प्रिपरेशन और एप्लीकेशन को एज इट इज फॉलो करना है। सीरम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेहतरीन सा डिकॉक्शन रेडी करेंगे। डिकॉक्शन बनाने के लिए एक पैन लें और उसमें एक कप पानी लें और इसके अंदर एक टीस्पून कलौंजी का पाउडर शामिल कर दें। अगर आपके पास कलौंजी का पाउडर नहीं है तो आप एक टेबलस्पून कलौंजी के बीज लें, उनको पीस लें और फिर पानी में शामिल करें। और इस पानी को आपने हल्की आंच पर इतना पकाना है कि तकरीबन 5-6 टेबलस्पून आपके पास पानी बाकी रह जाए। आपने तेज आंच पर इसको बिल्कुल नहीं पकाना और कवर करके इसको पकाएं ताकि एक अच्छा सा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास डिकॉक्शन रेडी हो जाए। जब ये पानी पक कर तकरीबन 5-6 टेबलस्पून बाकी रह जाए तो इसको फिर आप छलनी की मदद से छान लें और आपके पास कलौंजी का डिकॉक्शन रेडी है। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास मार्केट बॉट है तो इससे इस सीरम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आप ज्यादा टाइम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाइएगा ताकि आपका सीरम खराब ना हो। अगर आप एलोवेरा जेल के लिए कम्फर्टेबल नहीं है या फिर एलर्जिक है तो आप इसकी जगह फ्लैक्स सीड्स जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों न्यूट्रल जेल है लेकिन इनमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि एलोवेरा जेल स्मूथ है और आप ड्रॉपर की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लैक्स सीड जेल थोड़ा स्लाइमी होता है, तो इसके लिए आपको इसे बोल में निकालकर हाथों से एप्लीकेशन करना होगी। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है रोज वाटर 1 टेबलस्पून। और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और मैजिकल इंग्रेडिएंट रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, इसके आपको चाहिए 10 ड्रॉप्स। और अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है या फिर आप बच्चों के लिए भी ये सीरम बनाना चाहते हैं तो फिर आप रोजमेरी लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कलौंजी का डिकॉक्शन बनाते हुए रोजमेरी लीव्स को क्रश करके उसमें शामिल कर दीजिए। अब एक बोल लें, इसमें कलौंजी का डिकॉक्शन, एलोवेरा जेल, रोज वाटर और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, इन चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह विस्क करें और मिक्स कर लें। और इसके बाद किसी भी ग्लास जार में डाल दें या फिर आपके पास कोई भी जार या कंटेनर अवेलेबल है तो उसको ड्राई करें और उसमें ये सीरम डाल दें। हेयर रीग्रोथ सीरम बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल के लिए और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। शैम्पू करने के बाद बाल जब गीले हों तो आपने सीरम स्कैल्प पर अप्लाई करना है और हल्के हाथों से मसाज करना है। गीले बालों में अप्लाई करने का फायदा यह है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में सीरम अच्छी तरह बालों और स्कैल्प पर स्प्रेड हो जाएगा। और अगर आप ये सीरम स्प्रे बॉटल में रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर को ज्यादा ऐड कर दें तो इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड हो जाएगी और फिर आप इसे इजीली स्प्रे बॉटल में डालकर लेंथ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो था एप्लीकेशन का आसान सा तरीका। अब आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है ताकि आप 100% रिजल्ट्स इस हेयर सीरम के इस्तेमाल से हासिल कर सकें। जब तक आप ये सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आप कोई भी कंडीशनर या केमिकल हेयर स्प्रे का इस्तेमाल ना करें और माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करें या फिर बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करें। बालों में जब भी ऑयलिंग करें तो बहुत ज्यादा मसाज ना करें बल्कि लाइट हाथों से ऑयलिंग करें और बालों में ज्यादा देर तक ऑयल को ना लगा रहने दें। फिर शैम्पू कर लें और शैम्पू करने के बाद गीले बालों में दोबारा से सीरम को अप्लाई कर लें।
इस सीरम का इस्तेमाल आप 1 से 2 महीने लगातार करेंगे तो ना सिर्फ आपका हेयर फॉल मुकम्मल स्टॉप हो जाएगा बल्कि इसके साथ साथ आपको बालों की क्वालिटी और बालों की ग्रोथ में भी बहुत क्लियर डिफरेंस एक्सपीरियंस होगा। आपने ये सीरम बालों में मुसलसल लगा कर रखना है, यानी आप शैम्पू करें तब अप्लाई करें, और अगर आप 2 या 3 दिन तक शैम्पू नहीं करते तो दरमियान में आप रैंडमली भी ये सीरम बालों में अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये हेयर सीरम हर हेयर टाइप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और हर एज ग्रुप के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये एहतियात रखनी है कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की जगह रोजमेरी लीव्स का इस्तेमाल करना है। तो ये तो थी आज की रेमेडी, टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।